कि नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो जो NDMC का एरिया सिर्फ वहाँ का प्रधानमंत्री है। अगर वो हमारा प्रधानमंत्री होता तो हमारे लिए पानी का ख्याल रखता। दिल्ली पुलिस माननीय मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री जी के अंडर में आती है और कहीं ना कहीं जेल होने के बावजूद दिल्ली सरकार के अंडर में, लेकिन काम किसके इशारों पे कर रही है? केंद्र सरकार पे। तो यहाँ पर जो NCR के जितने भी एरिया हैं, गुड़गांव UP के जो एरिया हैं, वहाँ पर फ्री इलाज मिलता तो वो दिल्ली में इलाज फ्री करवाने क्यों आते हैं? दिल्ली में इलाज फ्री क्यों करवाने आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ पर मशीनें हैं वो आधुनिक है। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। लगभग 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं आऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनके अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से जनता को संबोधित करते हुए एक मैसेज वायरल किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं बहुत जल्द अब जेल में सरेंडर करने जा रहा हूं और मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने आपको अपना भाई समझकर और आपका बेटा बनकर मैंने आपकी सेवा की है, मैं भी आप सबकी बार कुछ मांगता हूँ। मेरे बूढ़े परिवार, मेरे बूढ़े माँ बाप को आप दुआ देना और उनके लिए दुआ करना कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही उन्होंने जेल के अंदर जो उनके साथ व्यवहार हुआ है उसको लेकर भी वर्तमान सरकार को आड़े हाथ लिया है और साथ ही उन्होंने समझाया कि जेल में किस तरह उनके साथ प्रताड़ना की गई है। खैर बहरहाल, इस मैसेज के वायरल होते ही कई इलाकों में एक मामला आक्रोश का नज़र आ रहा है। पीछे हमारे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे ही इस मैसेज को वायरल होते इन्होंने सुना तो इनके अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया और अपने नेता को जेल जाते हुए देख इनके अंदर भारी गुस्सा है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, या यूँ कहूँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा दिख रहा है और वो अब क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम शहादत खान है। शहादत जी, अरविंद केजरीवाल का एक मैसेज वायरल हुआ है कि परसों वो खुद कोर्ट के अंदर 3 बजे के लगभग सरेंडर करेंगे और तिहाड़ जेल चले जाएंगे, तो उस मैसेज को लेकर आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि प्रावधान है संविधान के अंदर कि अगर आप बीमार हैं तो बीमारी की हालत पे आपको जो रिलीज़ दिया जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किस वजह से उनको अभी जो है
आराम करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरा नेता अरविंद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमेशा, जिस संविधान के खिलाफ हमेशा मोदी और आरएसएस रहती है। बीमार रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जो है अपने आप को त्याग करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के तमाम लोग जो है इसी पे ही विचार कर रहे कई दिनों से, और लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पानी की समस्या भी बनी हुई है, और हरियाणा वालों ने दिल्ली का तमाम पानी रोक रखा है, जिसको लेकर के हम बड़े परेशान हैं। और नरेंद्र मोदी जो कहता है कि मैं दिल्ली वालों को परेशान करूँगा और करके रहूँगा, क्योंकि हम उसको वोट नहीं देते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानता है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो जो एनडीएमसी का एरिया सिर्फ वहाँ का प्रधानमंत्री है। अगर वो हमारा प्रधानमंत्री होता तो हमारे लिए पानी का ख्याल रखता। अगर केजरीवाल के पास अगर इतना सा भी मौका होता कि वो पानी बना सकता है तो पानी बना करके हमारे घर घर बांट देता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस जिस चीज़ों पर केजरीवाल जी काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने वादा किया है, अगर वो चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, वो हमारे लिए काम करते रहेंगे। शर्त यह है कि उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि केजरीवाल जी को किस तरीके बेतहाशा परेशान कर रहे हैं। हम तमाम लोग जब भी मैं मस्जिद से आए, हमारे मस्जिदों में दुआएं भी हो रही है, हम तमाम दुनिया के लिए, आलम के लिए दुआ करते हैं, उसमें केजरीवाल जी के घर वाले भी शामिल हैं, क्योंकि अगर कोई बूढ़ी माँ परेशान है तो इंशाल्लाह उनकी परेशानी को अल्लाह ताला दूर करे। तो केजरीवाल के लिए आज मस्जिद में दुआ हुई है, जिस तरह उस मैसेज के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने बूढ़े माता पिता के लिए अपनी दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए ईश्वर से दुआ करें कि मेरे बूढ़े माँ बाप स्वस्थ रहें। तो वहाँ पर आपको बता दें कि आज मस्जिद में दुआ हुई है, और यहाँ जो लोग हैं उन्होंने उनके बूढ़े माँ बाप के लिए दुआ की है। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मुझे जेल के अंदर प्रताड़ित किया गया, मेरी दवाइयाँ बंद कर दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल नागर है। राहुल जी, अरविंद केजरीवाल आज एक मैसेज वायरल करते हैं कि मैं परसों यानी 2 तारीख को अपना सरेंडर कोर्ट के सामने करने जा रहा हूँ, और मैं वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाऊँगा। लेकिन दिल्ली की जो सुविधाएं हैं, दिल्ली की जनता को जो राहत मिलती है वो नियंत्रण चलती रहेंगी, उनको मैं रुकने नहीं दूंगा। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल को मजबूर किया जा रहा है, या अरविंद केजरीवाल वाकई कथित शराब घोटाले के अंदर आरोपी हैं? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी केजरीवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि उनके जेल में रहने के बावजूद भी कई तरीके की दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं गरीब जनता के हक में जो अभी तक चल रही हैं और मौजूदा काम कर रही हैं। एक बात अभी ये सामने नज़र आ रही है कि टेम्परेली बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था, लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं मेडिकली रिलीफ भी इनको मिलना चाहिए। जेल में प्रताड़ित करने की आज कोई प्रथा गुलफाम जी नहीं है, ये प्रथा हमारे देश में कई समय से चलती आ रही है। आप देखेंगे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कई माननीय विधायक जो कि सपा पार्टी के उपस्थित रहे, उन्होंने को किस तरीके से जेल में, मुख्तार अंसारी साहब अभी आप देख सकते हैं, हाल ही में वर्तमान समय में एक हमारे सामने परिस्थिति मौजूद करते नजर आए, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया जेल में, क्या चिट्ठियां नहीं लिखी गई, क्या जेल प्रशासन को बोला नहीं गया, क्या जेल प्रशासन ने आवाज़ नहीं उठाई, क्या उनके परिवार वालों को बताया नहीं गया, क्या इंतला नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मानकर प्रशासन के, पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन के आँखों पर पट्टी लिपटी हुई है, जेल प्रशासन के हाथों पे पट्टी लिपटी हुई है, पुलिस प्रशासन तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं, वैसे ही आपको जब पता है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पुलिस माननीय मुख्यमंत्री हमारे गृहमंत्री जी के अंडर में आती है, और कहीं ना कहीं जेल होने के बावजूद दिल्ली सरकार के अंडर में, लेकिन काम किसके इशारों पे कर रही है, केंद्र सरकार पे। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है, केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज केजरीवाल को ज़रूरत है इस देश की जनता से, दिल्ली की वासी, दिल्ली वासियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी हमारे मुद्दों के लिए लड़े, ज़मीनी हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, गरीबी मुद्दों को बात उठाई, ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे थे उन्होंने आवाज़ उठाकर आज उनको बात करी, और जो वादा किया था वो पूरा करा। इंडिया अलायंस गठबंधन भी इस समय पर देखा जा रहा है कि एक हुआ, और एक होने के साथ साथ पूरे देश में गठबंधन मौजूद है, और कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट को हराने की बात की गई है। यूपीए गवर्नमेंट का भी यही मानना है,
एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को अभी प्रताड़ित किया गया है जेल में। अभी उड़ीसा के देखिए आप, छत्तीसगढ़ के देखिए, हेमंत बिस्वा साहब को देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये बात कोई नई नहीं है सर, हमारे देश में अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र के आधार पर राजतंत्र नज़र आ रहा है और ये बहुत बुरी स्थिति है हमारे दिल्ली वासियों के लिए और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कहीं ना कहीं हम लोग दिल्ली वासी जो भी हैं केजरीवाल जी के साथ हैं और हमें पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मेडिकल रिलीफ भी देंगी और पड़ताली जो भी जांच के आधार पर उनकी जांच की जाए सम्मानित गठित कमेटी कर और कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगा। मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और कहीं ना कहीं पूरी देश की दिल्ली की केजरीवाल की केजरीवाल जी के साथ साथ है। केजरीवाल जी हम आप लोगों के साथ हैं और कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। मैं इंडिया कांग्रेस गठबंधन का एक कार्यकर्ता के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कहीं ना कहीं सपा पूरी पार्टी आज पूरे देश की तमाम लोकतंत्र की पार्टियां जितनी भी जनतंत्र हैं वो आपके साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से जेल में गए थे उसी तरीके से जेल से बाहर आओगे। आपकी निडरता का हम सलूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो ये वो इंडिया गठबंधन के बेबाक एक कार्यकर्ता है जिन्होंने न केवल अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है बल्कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह से प्रताड़ना की जा रही है उसका भी एक सटीक विश्लेषण हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के सामने रखा है। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी है। गोपी जी, अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ही दुखभरा एक मैसेज अपने ट्विटर अकाउंट से वायरल किया है। उनका कहना है कि मेरे को अब दो तारीख को मुझे सरेंडर करना और मैं जेल में चला जाऊंगा, यानी तिहाड़ में चला जाऊंगा, और मैं आऊं या ना आऊं, मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं, लेकिन दिल्ली की जनता की जो सुविधाएं हैं वो जारी रहेंगी और जब मैं बाहर आऊंगा तो दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना के हिसाब से मैं उनको पेंशन के रूप में दूंगा। और भी बहुत सी बातें कही हैं कि मैं जो है मेरी मृत्यु भी हो सकती है लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को डराया जा रहा है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि आज वो जो जेल में है तो उनको डराया जा रहा है और उनको बेवजह उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि आज तक ना कोई मुख्यमंत्री ने ऐसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में ना कोई सुविधा दी है और ना ही कोई दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने भी देखा है कि केजरीवाल जी ने जो यहाँ पे हमारे दिल्ली वालों के लिए किया है वो आज तक हमने किसी के यहाँ नहीं देखा। क्या, क्या क्या काम किए हैं केजरीवाल? पहला जी देखो, सबसे पहले तो हमारे बिजली की सब्सिडी दी है उन्होंने, बिजली हाँ पानी माफ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरा, हमारे माताओं बहनों के लिए देखिए बस का किराया, जब से वो आए आज तक उनका किराया नहीं लगा। और हमें जो भी सुविधा मिलती है, हमारे बच्चों के लिए EWS की सुविधा चालू की है जिससे मेरा लड़का खुद अब EWS में इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की राजनीति करके लोगों को फ्री का जो प्रलोभन दे रहा है इससे लोगों की आदत खराब हो रही है। आदत खराब हो रही है तो इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी सांसद MLA या पार्षद ये जो चुन करके जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उनकी बिजली, उनका पानी और उनकी सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि कार की फैसिलिटी दी जाती है, वो फैसिलिटी किससे दी जाती है? वो जनता के पैसे ही तो होते हैं जो सांसदों को और मंत्रियों को दी जो फैसिलिटी दी जाती है। तो केजरीवाल ने यही बोला था क्योंकि वो उस टाइम पर इनकम टैक्स में ए ग्रेड ऑफिसर थे, तो उन्होंने पता था कि हमारे पास दिल्ली कितना इनकम टैक्स देती है और कितना यहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है। अगर उस टैक्स के पैसे से एक मंत्रियों को और सांसदों को और बाकी नेताओं को फ्री सुविधा दी जा सकती है तो जिस जनता का पैसा है तो उसे फ्री सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? ठीक है, और ये वाली ये जो बात है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल हो गए हमारे और हमारी एजुकेशन हो गई और हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी वगैरह, ये बाकी कंट्रीज़ में भी फ्री दिया जाता है। और बस का जो कि यहाँ पर किराया फ्री दिया गया है वो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ्री दिया जाता है। किस लिए? ताकि लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बढ़े, पर कैपिटल इनकम उनकी इंक्रीज़ हो, वो ताकि वो अपनी बाकी और चीज़ों पर अपना जो खर्चा है इनसे हट करके उन पर अपना खर्च कर सकें, अपना जीवन व्यापन सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें। अगर वो ऐसा दे रहे हैं और यही उनकी गलती है, मैं तो ये कहना चाहूँगा यही उनकी गलती है। बाकी गवर्नमेंटों के को इन्होंने राजनीति का एक करने का तरीका सिखा दिया। ये जो फ्री की है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी तो जा करके अपने मैनिफेस्टो में दे रही है, कह रही है कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी और आपको फ्री इलाज दिया जाएगा और आपको 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और हाँ, मुफ्त इलाज दिया जाएगा तो यहाँ पर जो NCR के जितने भी एरिया हैं, गुड़गांव UP के जो एरिया हैं वहाँ पर फ्री इलाज मिलता, तो वो दिल्ली में इलाज फ्री करवाने क्यों आते हैं?
दिल्ली में इलाज फ्री क्यों करवाने आते, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ पर मशीनें हैं वो आधुनिक हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने मुहैया करवा रखी हैं। अच्छा, केजरीवाल के माता पिता बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता के लिए दुआ कीजिए, मैं जेल में चला जाऊँगा, मैंने जब तक यहाँ था मैं आपका भाई आपका बेटा बनकर मैंने काम किया है, आपकी सेवा करी है, तो अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता के लिए आप दुआ करें और उनकी सेवा करें, तो इस मैसेज को लेकर आप क्या कहना चाहते? देखो, अभी जैसा कि आपने आप जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर जेल में भी बंद होता है तो उसे मेडिकल रिलीफ के तौर पर अपनी माता पिता या जो ब्लड रिलेशन में जो उसके संबंध होते हैं उनकी देखभाल के लिए माता पिता के लिए तो काफ़ी पहले भी बेल दी जा चुकी है और इसे देनी भी चाहिए, और उन्होंने ज़्यादा नहीं मांगी, 7 दिन की बेल मांगी। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर उन्हें जेल में बंद करके उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें मतलब कि हर तरीके से जिस तरीके से ये मौजूदा गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट उन्हें सज़ा देना चाहती है, उनका जो वज़न कम हुआ, उनके मेडिसिन रोकी गई, दवाइयाँ उनकी बंद की गई, क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने जनता का भला किया है। क्यों उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा? क्योंकि उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि हमें कमाना खाना तो सबको अपना आप ही है, अपनी जॉब करनी है, अपने काम करने हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, हम हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, हम रोड नहीं बनवा सकते, अगर वो मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है तो वो उसी की सज़ा उन्हें दी जा रही है कि ये क्यों कर रहे हैं। और इसी की वजह से जनता के लिए, जनता इनके इसकी इस सुप्रीम कोर्ट ने जो इन पर कार्रवाई चल रही है और जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो कानून में बदलाव करके इन्हें फंसाया जा रहा है, इसी पर जनता आक्रोश है और गुस्सा है, और आने वाले टाइम में इसका गुस्सा आपको चुनावी नतीजों में देखने को मिल जाएगा। तो चुनावी नतीजे अभी आने बाकी हैं, जनता ने पहले ही मूड बनाकर अपना जो भी मतदान किया था उसका फैसला भी 4 तारीख को हो जाएगा, लेकिन 4 तारीख से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये मैसेज वायरल करके कहीं ना कहीं दिल्ली में हलचल मचा दी है, और दिल्ली के कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हैं उनके अंदर भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि इस भीड़ को दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर आज लोग आक्रोशित हैं और अपने नेता के जेल में जाने को लेकर यहाँ पर गुस्से में हैं। अच्छा, अब हम सर क्या नाम है? अब्दुल शकूर। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने अपना एक जो मैसेज अभी वायरल किया है कि मैं जेल जा रहा हूं 2 तारीख को, फिर वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। नहीं जाने चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन उनके जाने से किन किन सुविधाओं को किन किन चीज़ों की परेशानी सामने आ सकती है? जो भी केजरीवाल बाहर था, मेरे को 3 लाख रुपया मिला है मेरे इलाज के लिए। अच्छा, हाँ है, इनसे पूछ लीजिए, मैं हमारा खुद 3 लाख रुपया मिला, मेरे घरवाली को भी 3 लाख रुपया मिला। अच्छा, हाँ, इलाज फ्री में हुआ। हाँ, तो जो सुविधाएं इनको केजरीवाल के माध्यम से मिल रही है, लोग उस सुविधाओं को भी बता रहे हैं, लेकिन बात जी जी के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। अभी जैसे कि कई मीडिया सोर्स से पता चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रीबीज, जो फ्रीबीज की बातें कर रहे हैं उनका एक्स उसका फेसबुक खोल लो, उसका व्हाट्सएप चेक कर लो, वो लोग 5 किलो राशन में जश्न मना रहे हैं और पूरे देश के अंदर सिर्फ 5 किलो राशन के नाम पे ना वो वोट मांग रहे होंगे, पूरे देश के अंदर वोट मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री में देता है, उसको फ्री का 5 किलो राशन चाहिए। हम जिस बस्ती में रहते हैं, इस बस्ती के अंदर एक दिन में 10 भिखारी एक घर में आता है, अगर आप 100 ग्राम राशन भी बांटते होंगे ना तो आप 10 किलो राशन भिखारियों को दे देते होंगे, और उस राशन की कीमत में आप एक वोट मांग रहे हैं, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आप नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा? तो उन लोगों को पर लानत है जो कहते हैं कि भाई हमें राशन पे वोट दो लेकिन हम फ्री का नहीं चाहिए हमें, यानी फ्री भी का एक जवाब है। बिल्कुल, कि जो फ्री भी की राजनीति, मैनिफेस्टो देख लो इनका, हर मैनिफेस्टो जो जुमला इनका जो जुमलाबाज है ना, जो कहते हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की खुद की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मोदी की गारंटी कोई नहीं ले सकता। अमित शाह ने मोदी की गारंटी नहीं लिया, अमित शाह का साफ मीडिया के सामने कहना है कि चुनावी जुमले हैं, मोदी जी ने जो भी बोले चुनाव के टाइम वो सारे के सारे जुमले हैं, चुनाव के टाइम जुमले बोले जाते हैं। जब रंगा के संग उसका बिल्ला उनकी बातों पे भरोसा नहीं करता है तो देश की आवाम भरोसा करेगी क्या? करेगी क्या देश की आवाम? ये रंगा बिल्ला की बातों में इस बार देश नहीं आने वाला है। इंडिया अलायंस है क्या? इंडिया माने भारत और भारत की जनता, भारत की आवाम इस टाइम केजरीवाल के साथ है। तो केजरीवाल के साथ जिस तरीके से केजरीवाल को 2 तारीख को कोर्ट के आगे सरेंडर करना है और वापस तिहाड़ जेल में वो जाएंगे, इस बीच में
केजरीवाल ने ये जो मैसेज वायरल किया है उसको लेकर यहाँ पर भारी रोष है। सर क्या नाम है आपका? आ जाओ आप भी आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। अनवर साहब, अरविंद केजरीवाल का मैसेज आज जो ट्विटर अकाउंट से जो वायरल हुआ है इसको लेकर क्या आपको लगता है? इसको एक देश का बेटा है वो, और वो दिल्ली का बेटा है जो अपनी दिल्ली की जनता का पूरा ख्याल रख रहा है, और उसे ये जो उसने दिल्ली को सुविधा दी है, किसी स्टेट ने इतनी सुविधा नहीं दी है जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को सुविधा दी है। इसको देखकर जो है ये केंद्र सरकार जो पूरी तरीके से हिल गई है। जो सरकार को काम करने चाहिए थे अपनी जनता के लिए वो केजरीवाल ने करके दिखाया है। कहीं ना कहीं ये लोग उसको लेके घबरा रहे हैं कि इसे और तरक्की मिल गई तो ये और जो ना जाने कितनी तरक्की होगी। ये क्या नाम, केंद्र शासित सरकार ये नहीं चाहती कि जनता को जो है सुविधा, कोई सुविधा मिले, जनता खुशहाल हो, जनता जो है स्वास्थ्य में उसको तरक्की मिले, शिक्षा में तरक्की मिले, और जितनी जो है सुविधाएं उनसे ये सरकार चाहती है वांछित रहे सारी पूरी जनता। भाई ये छोटा एक घोटाला ये बता रहे हैं, जिस घोटाले के नाम पे केजरीवाल को जो कथित शराब घोटाला जी उसको लेके कह रहे हैं बंधुआ, जो भाई इन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, जो बड़े बड़े कांड कर रखे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही बीजेपी सरकार। आप देख लीजिए पुलवामा का जो तो अटैक था उस पर टोटल खुल गया, कुछ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारी जो बहन बेटियाँ ये जो हुआ था अभी क्या नाम है मणिपुर में, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे देश की जो बेटियां हैं जो पहलवान हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मतलब बड़े बड़े कांड तो ये लोग कर रहे हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं है, और जो जनता को जो सुविधा देना चाहता है, जनता को जो खुश करना चाहता है उस पर एक्शन किया जा रहा है, और वो भी बेबुनियाद है। ये अभी कोई साबित नहीं हुआ है भाई केजरीवाल ने ये घोटाले किए, वो तो क्या नाम है जब जांच के बाद ही पता लगेगा इन्होंने ये घोटाला किया या नहीं किया। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई केजरीवाल सरकार ने इतनी सुविधा दी है गरीब आदमी को, जो गरीब लोग है वो गरीब का मसीहा बन के आया है केजरीवाल। इतनी सुविधा किसी सरकार ने नहीं दी जितनी जो है इस केजरीवाल सरकार ने जनता को डायरेक्ट सुविधा पहुँचाई है। भाई बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा देखे अहम चीज़ है ये गरीब आदमी के लिए, और इन सब में बढ़ चढ़ के जो है केजरीवाल सरकार ने खूब भरपूर जो है काम किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, खूब इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ये वो गरीब जनता है जो यहाँ पर ग्राउंड पर हम मौजूद हैं, और उस गरीब जनता के पास सीधे हम पहुँचे हैं, और जनता का सीधा कहना यह है कि गरीबों के हित के लिए कार्य करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। वो न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बल्कि हम जैसी गरीब जनता के मसीहा हैं। वो हमारे बेटे, वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है। एक महिला हमारे बीच में मौजूद है, इनसे जानेंगे आपको कुछ मिला, आपको अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और मोदी सतारा है, बहुत ज़्यादा सतारा है। जो माँ बेटी है जो निकलती थी बाहर है उनका जीना हराम कर रखा है उनने। एक केजरीवाल ऐसा है जो दिल्ली क्षेत्र को लेके पूरी इंडिया को लेके चल लिया है। जय हिंद जय भारत। प्रतिक्रिया लगातार यहाँ की जनता की हम आपके सामने रख रहे हैं, और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबर है। बाबर जी, केजरीवाल साहब ने अभी एक मैसेज वायरल किया है पूरी दिल्ली के अंदर, जैसे मैसेज वायरल हुआ है कार्यकर्ताओं में एक भारी आक्रोश और गुस्से में कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्या आपको भी ये मैसेज मिला? हाँ मैसेज तो मिला मेरे को, और जहाँ तक मुझे लगता है जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से बार बार उसे फंसा कर उसको प्रताड़ित करना उसको, और लगातार उसके पॉलिसी से लूप होल निकालना, ये दरअसल गलत है। बात करते हैं फ्रीबीज की, बात करते हैं फ्रीबीज, क्या फ्रीबीज कर सकते हैं लोग? भाई फ्रीबीज दी, लिमिट में फ्रीबीज दी उसने, 200 यूनिट तक फ्री है उसके बाद पैसा लग रहा है, 20,000 लीटर पानी फ्री है उसके बाद पैसा लग रहा है। अब लोगों को यूज़ करना आ गया है, लोग कम कर यूज़ करते ताकि लगे बिल ना आए। उसे 32 लाख लोगों को फ्री बिजली मिलती है, 55 लोगों को मिले, वो 55 लाख कहाँ से बढ़े? उसे वो लोग भी हैं जो लोग चिल्लाते थे केजरीवाल फ्री की बिजली दे रहा है। अब बात आता है कहना फ्री की महिला सर्विस पे कहते हैं कि हम लोग कहना बस में सर्विस फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल साहब तो गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं आप लोग ये देखिए ना, वहीं मोदी गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन का कोटा ख़त्म कर दिया, लेडीज़ कोटा ख़त्म कर दिया, ट्रेनें वो बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ पर इंडिया में 70% आबादी जनरल कैटेगरी में सफ़र करती है वो लोग वंदे भारत निकाल ले, वंदे भारत टिकट जनरल कैटेगरी से 3 गुना बढ़ा, तो कौन जाएगा? वो केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जिसने जितना काम किया दिल्ली में आज तक किसी ने तक काम नहीं किया, चाहे वो स्कूल का सिस्टम हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, और चाहे और भी अदर फैसिलिटीज़ हो। स्कूल की बात कर लें, स्कूल में पहले बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, आज सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा रिजल्ट दिल्ली के गवर्नमेंट के स्कूलों का आया है, 96% बच्चे पास हुए हैं स्कूल के अंदर। बात
करते हैं कि फिर नीट के बात करते हैं, नीट बच्चे कितने सारे बच्चे पास होते हैं नीट में, सबसे ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चे पास होते हैं। एक दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ऐसी है जहाँ पर जिनके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा MBBS के पेपर क्रैक करते हैं, IIT JEE के पेपर क्रैक करते हैं। उन्हें खुद के आज से 4 साल पहले की बात है, एक दर्जी के बेटे ने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर IIT दिल्ली में एडमिशन लिया, वो कोचिंग कराई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ने, कोचिंग कराई गई है। तो आज दिल्ली गवर्नमेंट हर तरह से काम कर रही है, बच्चों के लिए चाहे बड़ियों के लिए चाहे बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। अब कुछ लोगों को चुपता चुपा कर रहे हैं, भाई गोवा में ये BJP गवर्नमेंट है वो लोग 22,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, आप पानी फ्री क्यों दे रहे हो? UP में लड़कियों को लैपटॉप दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे क्यों दे रहे हैं फ्री में? भाई अब मोबाइल क्या 2,000 रुपये का आता है, मोबाइल 10,000-20,000 क्यों आ रहा है, लैपटॉप 20,000 का आ रहा है, तो आप फ्री में क्यों दे रहे हो इन चीज़ों को? दिल्ली में केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बेसिक एमिटीज फ्री दे रहे हैं ना, पानी का खर्चा महीने का 1,000 का आता था वो कम हो गया। मैं बता दूं, मैं खुद कहाँ पर प्लॉट है, 1996 में बिजली बिल आता था, कमर्शियल बिल आता था 1930 का आया था, और आज महीने का बिल 1,000 रुपये आता है जबकि मैं ज़्यादा बिजली यूज़ करता हूँ। तो मेरे लिए 1,000 रुपये बच रहा है महीने, मेरे लिए ख़राब क्या है? पानी का मैंने पैसा बच रहा है, बिजली का पैसा बच रहा है, तो मेरे लिए ख़राब क्या है मेरे लिए? तो आपको लगता है क्या अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, क्या कुछ ऐसी सोर्स ऐसी ताकत है जो उनको काम करने से रोक रही है? सबसे बड़ी बात है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो महकमा हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सबका काम करते हैं मोदी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, मोदी गवर्नमेंट कहूँगा मैं, बेसिकली जो काम कर रही है वो मोदी गवर्नमेंट के इशारे काम करती है। ED और CBI तो वो निष्पक्ष होती है ना? निष्पक्ष कहाँ से होती है, आप बताइए ना, 25 नेता पकड़े गए, उसने 23 ने BJP को ज्वाइन कर ली, वो लोग छूट गए वो लोग, और वो रेवन्ना रेड्डी का नहीं पकड़े जाते तो काम नहीं होता उनका। तो देखा जाए BJP कहीं ना कहीं हद तक निष्पक्ष काम नहीं करवा रही है, वो काम करिए अपने उसमें पसंद आ रही है, अगर हमारे पास आ जाओगे तो साफ हो जाओगे, अदरवाइज तुम जेल में जाओगे, इसी चल रही है। और आज क्या केजरीवाल कहते हैं हम BJP गठबंधन कर रहे हैं तो आज वो छूट जाएंगे, आज कैलाश को वो कैलाश क्या नाम उनका सत्येंद्र जैन आज बोलते हैं कि भाई हाँ मैं केजरीवाल के खिलाफ जा रहा हूँ मैं, तो आज वो BJP छूट बाहर आ जाएंगे, आज शिशिर तो बोलते हैं मैं बाहर मैं केजरीवाल खिलाफ हूँ, आज वो बाहर हो जाएंगे जगह से। तो देखा जाए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग बोलें उठे। आप किसी पार्टी के नेता हैं? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो मुझे पता है क्या सही क्या गलत है। तो मतलब एक आम जनता बनकर बात कर रहे हो या किसी कार्यकर्ता? आम जनता बन के बात, अगर मैं कहे मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी स्टेट है गवर्नमेंट है अगर केजरीवाल जैसी पॉलिसी लिया है मैं सपोर्ट करूँगा, अगर BJP का ऐसी पॉलिसी होती उनके पास UP है, आप पॉलिसी दिखाइए, मैं मेरा होम टाउन UP का गाजीपुर का, जहाँ से अफजल अंसारी यहाँ लड़ रहे हैं इलेक्शन, वहाँ भी कोई फैसिलिटीज नहीं है, अगर ऐसी पॉलिसी वो ला के रखे तो हम वोट देंगे BJP क्यों देंगे वोट? पॉलिसी तो रखे अल्लाह के सामने है। यानी कि जो पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की वो पॉलिसी एक बड़ी ही बढ़िया पॉलिसी है जिसको लेकर यहाँ की ये भाई ने स्पष्ट अपने विभाग तरीके से अंदाज से अपने बात रखी, और साथ ही इन्होंने कहा कि ED और CBI जो बड़ी संस्थाएं हैं वो आज निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। ये एक सबसे बड़ा संदेश यहाँ की जनता से डायरेक्ट हमारे दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जनता भी अब इस बात को जान चुकी है कि ED और CBI या बड़ी कोई जो संस्थाएं केंद्र शासित हो वो अपना कार्य अब निष्पक्षता से नहीं कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं उन संस्थाओं के लिए भी एक सबक की बात है। खैर बहरहाल और भी बहुत से लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम असद अयूबी है। क्या लगता है केजरीवाल साहब ने जो मैसेज दिया है उससे क्या लगता है आपको? कुछ ऐसा है कि उसने जो कुछ भी मैसेज दिया उसकी जो आदत है बहकाने की, उनने आमतौर से अपनी फितरत से वही बहकाया है। केजरीवाल ने बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा उसकी बातों में बहकने आता है, वही कहता है कि मैंने शिक्षा फ्री कर दी, मैंने दवाई फ्री कर दी। अरे तूने क्या कर दी, पूरे हिंदुस्तान में फ्री है और पहले से फ्री थी, लेकिन उसका प्रचार करने का अंदाज है बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा, हर कोई ऐसा तारीफ करेगा उसकी कि क्योंकि उसने प्रचार के ऊपर करोड़ों रुपए इसी चीज़ पर खर्च किए हैं, जहाँ पे कोई कोई कहीं नहीं मिलेगा वहाँ पे केजरीवाल मिलेगा। अच्छा, उसकी फोटो मिलेगी। तो केजरीवाल साहब ने जिस तरीके का घोटाला कर रखा है, कथित शराब घोटाला, उसके बारे में क्या? रास्ता जेल है और उसको जेल जाना चाहिए। तो और कुछ नेता भी हैं जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं? उन्होंने घोटाले किए हैं तो उनको उनके सबूत के साथ में होगा, लेकिन इसने तो जो घोटाले किए हैं ये अंदर गया है और अंदर जाए। क्या क्या घोटाला किया? इसने शराब का घोटाला नहीं किया। कि शराब के घोटाले में कितने करोड़ रुपए मिले? जितने करोड़ भी मिले कानून की कार्रवाई वो प्रतिक्रिया सबके सामने है, मैं कोई नया तो कह नहीं रहा हूँ ना, मैं उसकी कोई चाप उसकी चापलूसी मैं बोलूँगा नहीं, जो सच्चाई है बयान करूँगा। अरविंद केजरीवाल, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे
केजरीवाल की जो फ्री बिजली सब्सिडी जो है वो नीति सही है या गलत है? फ्री नीति उसकी ठीक है, हम को इसके बुरा नहीं कर रहे, लेकिन आप फायदा उठाते हो? फायदा तो सारे उठा रहे हैं जी। उस वो अपने घर से नहीं दे रहा, वो आका फ्री दे रहा तो अपने घर से दे रहा क्या? नहीं, घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं घर की बात नहीं कर, मैं एक नीति की बात कर रहा हूँ, मैं एक नीति की बात कर रहा हूँ। जनता को दे रहा है, मैं एक नीति की बात कर रहा हूँ, मैं एक नीति की बात कर रहा हूँ। बात को सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नीति नहीं कर रहा। कोई भी सरकार अपने घर से नहीं देता, कोई भी सरकार अपने घर से नहीं देता, वो दे रहा तो जनता का दे रहा। आज जो बीजेपी कह रहा है कि मैं 5 किलो राशन में पूरा 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ, 80 करोड़, इससे पहले कांग्रेस ने 80 करोड़ के उससे पहले नहीं दिया, सबको सबने दिया, उसमें तो उसमें चीनी दिया, सुनो दिया, केरोसिन दिया, और ये तो ये सरकार आने के बाद सारा छीन लिया, जितने भी चीनी थे, चीनी का वो मिट्टी का तेल वो सब इन्होंने खत्म करवा दिया इन सरकारों ने। आज ट्रेन का किराया देखो, आसमान छू रहा ट्रेन का किराया, जो 400 रुपए का जो टिकट था वो। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी सरकार ठीक? सरकार तो मोदी जी की ठीक है। किन किन मुद्दों को लेकर आपने कहा, कौन सी ऐसी नीति है जो आप मेरे दर्शकों को समझाइए? ये पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है और बहुत अच्छा चला रहे हैं वो, ये सब गलत बातें उनके बारे में बहकाई जा रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब एक दो काम तो बताइए, मोदी ने क्या करा तुम्हारे लिए? क्या करा? नहीं, क्या करा मोदी ने बताओ, क्या करा? तुम्हें मकान दिया, तुम्हें दुकान दी, तुम्हें क्या दिया? झोपड़ा झोपड़ा भी नहीं दिया उनने, कुछ नहीं दिया उनने, कुछ नहीं दिया। क्या क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया उनने। रोजगार करने के लिए पैसा दिया, कितने पैसे दिया उनने? सभी लोगों के लिए फैसिलिटी निकाली है, 5 लाख तक सबको दे रहा, वो ऐसा नहीं है कि फायदा। आपको क्या क्या फायदा मिला? फुटपाथ पे दुकान लगाने को इसको उनने स्वनिधि योजना के तहत पैसे बांटे हैं। हाँ, पैसे, हाँ बिल्कुल दिया, पैसा दिया है। कितना दिया बोलो, कितना दिया, कितना दिया बताओ, आप तुम बताओ। गलत बात ये जो तुमने बोला, मोदी और जोगी और ये सारे बेकार है, ये सारे बेकार तीनों। और केजरीवाल ये तीनों, हाँ केजरीवाल बढ़िया आदमी है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ये सबसे बढ़िया आदमी है। ये लॉकडाउन लगा कितनी पब्लिक मर गई, ये बताइए मेरे को, कितनी पब्लिक मरी? इसने जो है मतलब नोटबंदी करी फिर भी पब्लिक मरी, इनने क्या अच्छा करा है? कोई अच्छा नहीं करा, कोई अच्छा नहीं करा इनने। मैं कह रहा हूँ किसके राज में जीरो पहले देख तो लो, आज रे रो गया मोदी तो, आज रे रहा है मोदी तो, आज आया हुआ है। झोपड़ी वाले हैं, ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। अपने विचार हो सकते हैं, कोई आदमी किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, अपने अपने विचार हो सकते हैं। सुने, अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं। आप एग्रो झुग्गी वाले हैं, किसके जरिए से है? किसके जरिए? कांग्रेस के जरिए से है, कांग्रेस के। ये झुग्गी झोपड़ी पक्के फ्लैट वाले कांग्रेस के जरिए, मोदी के जरिए नहीं है, किसी के जरिए नहीं है। ये जो लगा रखा है ना, टोपी लगा के जो भी है, मतलब ये अपने पैसा खा के दलाली गिरी करके कर रही है, जो भी कर रही है दलाली गिरी कर रहे हैं उनका, ये दलाली गिरी कर रहे हैं मोदी का, ये दलाल है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। केजरीवाल को जेल भेजेगा, कौन भेजेगा जेल? जनता साथ है उसके, जनता साथ है उसके, ये उनके चमचे उनका बोलो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर है, और यहाँ की जनता भी काफी गुस्से में है, क्योंकि इनके नेता को 2 तारीख को सरेंडर करना है और सीधा तिहाड़ जेल वापस जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ है और उनके दिल में आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से फुल मेजोरिटी में अरविंद केजरीवाल को वोट देकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, आज वही मुख्यमंत्री उनके बीच पिछले तकरीबन 1-1.5-2 महीने से, और फिर अब की बार जा रहे हैं वो जेल जाएंगे, और अब कब लौट कर आएंगे इसके बारे में भी कोई अभी तक फाइनल नहीं है। जी क्या कह रहे हो सर? ये मोदी जी ये कह रहे हैं जो सिलेंडर मैंने फ्री का रखा है, फ्री कहाँ कर रखा है? 803 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, पहले था 900 रुपये का सिलेंडर था, अब केजरीवाल ने भाई सब आया जब से अब 803 रुपये का कर दिया सुविधा। अब केजरीवाल अब कहाँ से बुरा बन गए, जेल में गए तो इसी बुरा बन गए, घोटाला वोटाला किसी से कुछ नहीं करा, वो इतने बड़े बड़े जो घोटाले कर रखे हैं इन लोगों ने, कहाँ गए चले गए, कहाँ चले गए सब घोटाले, कहाँ चले गए सब? क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था
मुख्तियार अंसारी का, इनने जहर उसमें जहर करवा कर मरवा दिया इसने, और उस हाँ योगी ने उसे मरवाया, और मतलब अति का मत को मरवाया इनने, उसके बच्चों को मरवाया, सारे सारे पूरा घर परिवार फंसा दिया सारा। लेकिन वो कहते हैं कि सुनिए उनका उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे और उनके लिए ट्रायल चल रहे थे। अति का मत बढ़िया आदमी था, इनने यार काउंटर करवाया अति का मत का, और उसके भाई का और उसके बेटे का, इनने करवाया यार काउंटर, क्यों करवाया ने यार काउंटर? नहीं उसको तो किसी और ने मारा था, उसको तो वो दो लड़के थे वो पकड़े गए, काउंटर करवाया मोदी नहीं नहीं वो दो लड़के पकड़े गए वो। चलिए ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हम सीमापुरी में मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से उन्होंने अपना एक मैसेज वायरल कराया था, और वायरल कराने के बाद यहाँ की जो जनता है उस जनता की प्रतिक्रिया हमने आपके सामने रखी। जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि उनके नेता को 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा। खैर बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं मोहम्मद गुलफा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये वो लोग हैं जो हमारे दिल्ली में 15 साल कांग्रेस के टाइम पे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, और शीला दीक्षित से भी हमारा ये अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया है, ये बेचारे जा रहे तो क्या हुआ, 4 तारीख को प्रधान आने के बाद हमारे केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे, और मनीष सिसोदिया जो उनको 6 जून या 6 जुलाई तक जो टाइम दिया है उनको भी अदालत को जवाब देना ही पड़ेगा। और बाकी ये किस्मत की बात है, कोई भी कुछ भी कर्म करता तो उसको हर चीज़ में जेल का मज़ा तो चखना है, चाहे वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो या हम जैसे भी हो। हम लोग अगर अभी कोई दुष्कर्मी करते तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा, क्यों? ये सीमापुरी में सभी जानते हैं कि हलीम भाई ने ये चीज़ करा है। तो इसी तरीके से अरविंद जी केजरीवाल अरविंद हमारे दिल्ली के सीएम हैं, और आने वाला टाइम पे इंशाल्लाह वही रहेगा, और उसे जेल जाना है तो कोई बात नहीं, उनको जाने दीजिए, मगर आने वाला टाइम में उनको अदालत भी छोड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी छोड़ेगी, हाई कोर्ट भी छोड़ेगा, जहाँ तक इनका केस चल रहा है उनको चलने दीजिए। ये तो एक पॉलिटिक्स की बात है, बाकी राजनीति अपने हाथ में है, और हम तो वो चीज़ करते हैं कि आने वाला जो चुनाव जो परिणाम आएंगे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के ही रहेंगे।